नमस्कार, मैं संदीप कुमार और आप देख रहे हैं अपना मन पसंदीदा चैनल तेज निगाह है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के यमुना खादर में प्रस्तावित कचरा निस्तारण प्लांट के विरोध में पूर्व सांसद जयप्रकाश अग्रवाल के पुत्र मुदित अग्रवाल के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस नेता व स्थानीय जनता सहित खजूरी चौक पर प्रदर्शन किया गया। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता जमकर मनोज तिवारी हाय हाय, भाजपा हाय हाय के नारों के साथ दिल्ली सरकार हाय हाय के नारे लगाकर अपना रोष जाहिर कर रहे हैं। हाथों में लिए हुए पोस्टरों में लिखा है कि शर्म करो शर्म करो, बीजेपी वालों शर्म करो, इलाके को साफ रहने दो। इस प्रकार के स्लोगन लिखे बैनर लेकर नारे लगाकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मुदित अग्रवाल व अन्य नेताओं ने इस मामले पर क्या कुछ कहा, आप स्वयं सुनिए। ने बीजेपी शासित ईडीएमसी को गोंडा गुजरात में 42 एकड़ जमीन अलॉट की है लैंडफिल बनाने के लिए। वही लैंडफिल जैसे आपका बलसवा जहांगीरपुरी में है और जैसे आपका गाजीपुर में है। अगर वो यहाँ लैंडफिल बन गया तो यहाँ पे पूरे दिल्ली का कूड़ा डंप होगा और लोगों का यहाँ रहना दुर्भर हो जाएगा। मक्खी मच्छर तो होंगे ही, वो बीमारियाँ फैलाएंगी, गंदगी होगी, बदबू होगी, साथ साथ यमुना भी प्रदूषित होगी। तो हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रण लेते हैं, यहाँ पे हम गोंडा गुजरान में लैंडफिल नहीं बनने देंगे। इसके लिए चाहे हमें जो करना पड़े, हम लैंडफिल यहाँ नहीं बनने देंगे। देखिए, ये तो 8वीं क्लास के बच्चे को भी पता है, जो लैंडफिल बनता है वो शहर से आबादी से कोसों दूर बनता है। लेकिन ये बीजेपी वालों की और मनोज तिवारी जी की मानसिकता दिखाता है, छोटी मानसिकता दिखाता है कि जो एशिया का सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में है उसमें वो लैंडफिल बनाना चाहते हैं, लेकिन हम इसको बनने नहीं देंगे। जी तो क्षेत्र में कभी आते नहीं है, सांसद जी तो हर चीज़ का श्रेय लेने को तैयार लेते हैं, उनको आप ये भी पूछेगा उनको एरिया के बारे में कुछ पता ही नहीं है। देखिए, सांसद जी ने तो पिछली बारी भी कहा था मैं नहीं बनने दूंगा। सांसद जी को शायद ये भी नहीं मालूम होगा जो DDA है वो भाजपा के अंडर आती है। तो सांसद जी को आप थोड़ा ज्ञान दे दीजिए कि जिसने लैंड अलॉट की है वो बीजेपी शासित में आती है, जिसको लैंड अलॉट की है EDMC वो भी बीजेपी का कंट्रोल है। तो सांसद महोदय कह क्या रहे हैं, वो तो ऐसे बोलते रहते हैं, उनकी बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। रची जा रही है, बार बार धोखा देने की साजिश चली जा रही है। आज उसके विरोध में मुदित अग्रवाल जी और पूरे कांग्रेस के हमारे जो लोग हैं वो इकट्ठे हुए हैं और जो प्रण अभी मुदित जी ने कहा वही हम सबका प्रण है कि हम यहाँ किसी हालत में भी वो गंदगी वो बीमारी का घर नहीं बनने देंगे, जिससे कि आम जनता जो पहले ही 10 तरह की बीमारियां, डेंगू कभी आ जाता है, कभी कोई बीमारी आ जाती है और ये कूड़े का ढेर हम यहाँ नहीं लगता। क्षेत्र जो है बहुत ही गिनती आबादी का है, यहाँ पार्कों की फैसिलिटीज़ नहीं है, यहाँ और कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। एक यमुना के अंदर का एक ऐसी जगह थी जिससे पोल्यूशन भी, यहाँ की आबो हवा भी ठीक रहती थी और बच्चे बुजुर्ग बूढ़े सब यहाँ घूमने के लिए भी जाते थे। अगर यहीं पे ये खट्टा आ जाएगा तो मैं समझता हूँ कि जो यहाँ रहने वाले लोग हैं इनका जीवन जो है बिल्कुल नरकीय जीवन हो जाएगा। इसलिए हमारा पुरजोर, कांग्रेस पार्टी का पुरजोर विरोध है कि यहाँ पर हम खट्टा नहीं आने देंगे, चाहे ये जो भी कुछ हो जाए। प्रदर्शन के दौरान खजूरी चौक पर जाम लग गया। इस प्रदर्शन को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए पुलिस बल भी लगाया गया। वहीं पूर्व पार्षदा रेखा रानी ने कहा कि मुदित अग्रवाल के नेतृत्व में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था, जिसके तहत इस साइट को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन DDA की तरफ से दोबारा इस जमीन को आवंटित कर दिया गया। वहीं भजनपुरा ब्लॉक अध्यक्ष ठाकुर प्रेमपाल सिंह ने कहा कि यमुना के डूब क्षेत्र में लैंडफिल साइट बनना उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता के लिए काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। सभी बड़े लीडर्स भी हैं और सभी आम जनता भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस ही है, क्योंकि ये मुद्दा सामाजिक मुद्दा है, सभी से जुड़ा हुआ है और सभी लोग चाहते हैं कि यहाँ ऐसा कुछ ना बने। यहाँ अगर कूड़ा घर बनता है, क्योंकि MCD जो कह रही है कि यहाँ 3 प्लांट लगाए जाएंगे, एक गीले सूखे कूड़े का, एक सूखे कूड़े का और एक मलबे का, तो अगर इस तरीके का यहाँ कोई भी प्लांट बनता है तो इससे यहाँ रहना दूभर हो जाएगा, पर्यावरण बेहद प्रदूषित होगा, जनता की सेहत खराब होगी। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो चिंताजनक विषय है वो ये कि यमुना जहरीली हो जाएगी। हम सभी जानते हैं कि जब जब बरसात आती है यहाँ यमुना खादर में बाढ़ आ जाती है और ये डूब क्षेत्र है। यहाँ रहने वाले लोगों को सड़क पर तंबू लगाकर विस्थापित किया जाता है सरकार द्वारा, और सरकार ये सब जानती है फिर भी उसके बाद
बाद भी अगर प्रशासन इस तरह की लापरवाही कर रहा है तो ये बेहद ही चिंताजनक विषय है और एनजीटी को इसकी परमिशन बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। देखिए कुछ दिन पहले यहाँ मनोज तिवारी जी द्वारा एक ऐलान किया गया था कि यहाँ हम झील बनाएंगे, सौंदर्यकरण करेंगे, बच्चों को खेलने के लिए पार्क बनाया जाएगा, लेकिन अभी महीना भी नहीं हुआ है शायद इस बात को और ये दोबारा से यहाँ एमसीडी द्वारा ऐलान कर दिया गया कि यहाँ कूड़ा घर बनाया जा रहा है, जबकि एमसीडी भी बीजेपी की ही है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बीजेपी की है। मनोज तिवारी 5 साल से यहाँ एमपी है, पहली बार उन्होंने कुछ अच्छा ऐलान किया था हमारे क्षेत्र में, उसके अलावा उन्होंने कोई विकास नहीं किया। हम लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि यहाँ हमारे यमुना खादर में कुछ अच्छा बनेगा, कुछ सुंदर बनेगा जो हमारे सिग्नेचर ब्रिज से भी नजर आएगा और जो यहाँ 6 एलिवेटेड रोड का जो उद्घाटन किया गया 6 लेन का, वहाँ से भी कुछ अच्छा नजर आएगा, कुछ सुंदरता आएगी। आज भी हम देखें तो यहाँ हजारों बच्चे, अगर आप वहाँ जाकर देखें उस जगह पर, अभी भी वहाँ खेल रहे हैं, सुबह से वहाँ भीड़ लगी रहती है बच्चों की, बुजुर्गों की, सब लोग वहाँ घूमने जाते हैं। लेकिन ये एक बेहद, मैं तो कहूँगी कि ऐसा तोहफा दिया गया है बीजेपी द्वारा जिसको जनता उनको कभी माफ़ नहीं करेगी और आने वाले चुनाव में ये ज़रूर एक चुनावी मुद्दा बनेगा जिसका बदला जनता लेगी। लेकिन हम लोग अपनी तरफ से, कांग्रेस पार्टी जो है, इसका पुरजोर विरोध करती है और जब तक इसको मना नहीं किया जाता हम लोग इसका विरोध करते रहेंगे, चाहे हमें आमरण अनशन करना पड़े, चक्का जाम करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम लोग इसका विरोध करते रहेंगे। हाँ, सफाई के बारे में जब भी कदम उठाया है कांग्रेस पार्टी ने उठाया, बाकी कोई पार्टी नहीं उठाती। यहाँ पे इतना गंदे और कूड़ा घर बनाने की बात ये करते हैं तो इसको तो कोई भी नहीं मानेगा, ना ही हम इस बात को मानने देंगे और ना ही सफाई करते नहीं है ये लोग, किसी बात का ध्यान नहीं देते, ऊपर से कूड़ा बनाने की बात करते हैं, कूड़ा घर की वो हम होने नहीं देंगे। बीजेपी वाले कितने झूठे हैं, कितने निकम्मे लोग हैं, इन्होंने एक छोटा सा भी काम नहीं किया हमारे क्षेत्र के विकास के लिए। केवल 2 महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट किए थे कि एक तो हम एलिवेटेड पुल का निर्माण करेंगे, एक हम यहाँ पे लेक बनाएंगे बच्चों के खेलने के लिए, इन पुल का निर्माण करेंगे। अब इनको इतनी शर्म नहीं है कि एक महीने पहले तुम कुछ बोलते हैं, जुमले फेंकते हैं, करा कुछ नहीं है, क्योंकि चुनाव आ रहे थे, वो पूरे 5 साल क्षेत्र में आए नहीं और उनको वोटों की जरूरत थी, तो झूठे वादे करके लोगों को बहका के गए थे कि हम यहाँ पे 6 लेन का एलिवेटेड पुल बनाएंगे, यमुना का सौंदर्यीकरण करेंगे। अभी आपने देखा 15 दिन के अंदर क्या न्यूज आती है कि घोंडा गुजरान खादर की 42.5 एकड़ जमीन खद्दा बनाने के लिए MCB को अधिकृत कर दी है। अगर यही सरकार अनाउंस करती है एलिवेटेड रोड बनाने का, यही सरकार अनाउंस करती है सौंदर्यीकरण करने का, तो इस सरकार को सौंदर्यीकरण करके एलिवेटेड पुल से कूड़े का पहाड़ दिखाना है लोगों को। हमारे क्षेत्र में बच्चों के लिए, हमारे क्षेत्र में बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए न कोई पार्क है, न कोई स्कूल है, न कोई खेलने की जगह है, न कोई स्टेडियम है। इन सब के बावजूद एक प्रकृति की देन है कि हमारे पास ये खुला हुआ जंगल था जिसमें सारे बच्चे जाके क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, बुजुर्ग टहलने जाते हैं, बाकी घनी आबादी का क्षेत्र है, लोगों को रहने के लिए जगह नहीं है, समुदाय भवन नहीं है। अब उस क्षेत्र पे भी जो हमें प्रकृति ने दिया है, सरकार ने कुछ नहीं दिया, उस पे भी इनकी बुरी नज़र है। 5 साल यहाँ रहते हुए जमुना पार की जनता को यहाँ डरावर दिया है, इसलिए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने यहाँ करोड़ों रुपये खर्च करके, कई सौ करोड़ रुपये खर्च करके सिग्नेचर ब्रिज बनवाया था, उसकी खूबसूरती को डाउन करने के लिए यहाँ डरावर बनवाया जा रहा है। हम इसका विरोध करते हैं, कंडम करते हैं हम इसको, और हम यहाँ बनने नहीं देंगे। जमुना पार की जनता चाहे कुछ भी करने पड़ा, लेकिन यहाँ डलावगर नहीं बनने दिया जाएगा। कांग्रेस प्रदर्शनकर्ताओं की माने तो चाहे जो कुछ हो जाए, हम यहाँ पर लैंडफिल साइड नहीं बनने देंगे, चाहे इसके लिए हमें आमरण अनशन ही क्यों ना करना पड़े। दिनेश सोलंकी के साथ प्रिया शर्मा, तेज निगाह, दिल्ली। तेज निगाह के दर्शकों से अपील है, जिन दर्शकों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ लाइक और शेयर और अपने कमेंट करना ना भूलें। आप दीजिए संदीप कुमार को इजाज़त, नमस्कार।